पिछले वर्ष हुई जाट आंदोलन के दौरान भारी हिंसा और लूटपाट के दृष्टिगत इस बार प्रशासन और पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। रविवार 29 जनवरी से शुरू होने वाले जाट आंदोलन को लेकर जिला प्रशासन ने पूरे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। जिले में आई रैपिड एक्शन फोर्स और जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सुमेर प्रताप सिंह की अगुवाई में जिले में फ्लैग मार्च निकाला। जिले के लघु सचिवालय से भारी संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों से भरे वाहन फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में कैथल शहर से अलग अलग स्थानों पर गए। जिला उपायुक्त संजय जून और पुलिस अधीक्षक सुमेर प्रताप सिंह ने बड़े दावे के साथ कहा कि किसी भी कीमत पर कोई अप्रिय घटना होने नहीं दी जाएगी। कैथल से जाट टीवी न्यूज के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट।